शहर में आए दिन हत्याओं का मामला सामने आ रहा है। इसी बीच बुधवार की सुबह सुबह इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक का नाम सुनील जवादे, उम्र 46 होने की जानकारी मिली है। वहीं इस मामले में चारों आरोपी गिरफ्तार होने की जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने दी। नाबालिग उम्र में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना एक अपराध है और समाज के वरिष्ठ लोगों का ये कर्तव्य है कि वो युवा पीढ़ी को ये अपराध करने से रोके, लेकिन जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा करता है तो हमारी युवा पीढ़ी उन्हें मौत के घाट उतारती है। हालिया मामला इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत का है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामबाग निवासी मृतक सुनील जवादे, उम्र 46, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और 2 महीने पहले उन्होंने रामबाग निवासी 4 नाबालिगों को शराब, सिगरेट ऐसे नशीले पदार्थ पीने से रोका था, लेकिन उन्हें ये चीज रास नहीं आई और इस चीज का उन्हें गुस्सा आ गया, जिसके चलते बीते 2 महीनों से वो इस बात का अपने मन में गुस्सा लेकर बैठे थे। इसी बीच 2-3 दिनों पहले भी उनकी मृतक के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और अब प्रतिशोध लेने की आग उनके मन में और तेजी से जलने लगी, जिसके चलते गुरुवार की सुबह करीब 5-6 बजे जब मृतक अपने काम की ओर जा रहा था, तब आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पहले तो उन्होंने मृतक पर मिर्ची पाउडर डाला और उसके पश्चात तलवार से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त गणेश बिरादर ने अधिक जानकारी साझा की। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन च्या हद्दीत रामबाग या एरिया मध्ये आज सकाळी पहाटे 4:30 ते 5 दरम्यान त्या एरियातील एक सामाजिक कार्यकर्ते सुनील जवादे यांची सकाळी 4 अल्पवयीन मुलांनी मिळून हत्या केलेली होती। या हत्येतील जे 4 अल्पवयीन मुले आहेत त्यांना आम्ही तपासकामी चौकशीकामी पोलिसांनी 1 तासाच्या आत त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। घटनास्थळी वरिष्ठ अधिकारी झोन 4 श्री नुरुल हसन साहेब आणि आम्ही स्वतः तसेच इतर पोलीस घटनास्थळी वेळेत हजर होते, सर्वांनी भेटी दिलेल्या आहेत आणि सध्या परिसरामध्ये शांतता आहे। चारही जे अल्पवयीन मुलं आहेत ते काही मुलं शिक्षण घेत आहेत आणि काही मुलांचं शिक्षण संपलेलं आहे अशा परिस्थितीतले आहेत। सुनील जवादे जे होते ते मार्केटमध्ये त्यांचा भाजीपाल्यांचा व्यवसाय होता। त्या मुलांसोबत कुठला तरी शुल्लक कारणावरून वाद झाला होता। यांच्या चांगल्या वर्तनाबाबत सुनील जे आहेत ते यांना नेहमी टोकायचे चांगलं वर्तन ठेवण्यासाठी। ते त्या लहान मुलांना सगळ्यांना आवडलं नाही आणि त्याचा राग मनात धरून त्यांनी हे कृत्य केल्याचं प्राथमिक चौकशीमध्ये सांगत आहेत। बता दे की मृतक कलमना मार्केट में सब्जी विक्रेता है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।